गाइस, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप सबों को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह में मैंने एक वीडियो डाली थी गाइस, लेकिन उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं वीडियो में फ़ोटो भी अच्छी तरह से नहीं डाल पाई। उसमें भी पता नहीं उल्टा हो गया क्या हुआ था, लेकिन उसके लिए सॉरी। बट मैं अभी कोशिश करती हूँ आपके लिए अच्छे से रीडिंग करने की, क्योंकि अभी मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है। आप लोगों की दुआएं काम आई, आप लोगों ने काफ़ी मेरे लिए प्रे किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके डीएम अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपकी तरफ। तो मैं कार्ड शफल करती हूँ गाइस। तो कार्ड शफल करके मैं देखती हूँ कि अभी आपके डीएम आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। दो कार्ड आए हैं गाइस, नाइन ऑफ शोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। हाई प्रिस्टेस, बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं गाइस, मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ उनको। इतने सारे तो मैं नहीं ले सकती हूँ, तो मैं फिर से दो कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और डेविल कार्ड है गाइस। ओ, अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड आए गाइस, एक तो और ट्राई करती हूँ कि आ जाए। टावर आए गाइस, शायद आपके पार्टनर की लाइफ में टावर आ रहा है। ओके, बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, तो मैं थोड़ा कार्ड्स को अरेंज करके फिर चलिए अब मैं बताती हूँ कि अभी आपके डीएम की एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड ये है नाइन ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि वो आपको उन्होंने जो धोखे दिए हैं उसके लिए उनको रिग्रेट है, गिल्टी फील कर रहे हैं और वो रात में उठ उठ के रो रहे हैं गाइस। वो उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, वो रात में उठ के रो रहे हैं। सपने में हो सकता है आपका नाम दिख रहा हो या आपके सपने आ रहे हो, तो उनको अब आपके जो एंजल्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ। तो फील आ रहा है उनको कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, तो इसलिए वो रात को परेशान होके उठ के रोते भी हैं, बहुत टेंशन में रह रहा है गाइस। सर दर्द ये भी हो सकता है उनका। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग। या हो सकता है गाइस किन्हीं किन्हीं की लाइफ में न्यू पर्सन भी आ सकते हैं, अगर उनके एक्स ना तो न्यू पर्सन भी आ सकते हैं, ये भी संभावना है गाइस। और वो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है गाइस, तो हो सकता है कुछ छुपा हुआ है आपकी लाइफ में, उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, इसका रिग्रेट उनको है और आपको वो कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में देख रहे हैं। वो आपको मतलब एक मिस्टीरियस वुमन मानते हैं। और हो सकता है हमारी कोई कोई जो व्यूअर्स हैं वो साइकिक एनर्जी भी उनके पास हो, वो हीलर भी हो सकती हैं और वो भी लोग देख रही होंगी ये वीडियो। साथ ही आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, क्वीन ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी है। एक मिनट गाइस, क्वीन ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी है, तो निश्चित ही आपके और आपके डीएम के बीच में थर्ड पार्टी है गाइस, कोई स्ट्रांग थर्ड पार्टी है। या तो ये फीमेल एनर्जी है, वो पुरुष की बॉडी में हो सकती है फीमेल एनर्जी, लेकिन
ज़्यादा चांस है कि कोई स्ट्रांग फीमेल है जो आपके पार्टनर को बहुत डोमिनेट करती है और बहुत दबा के रखती है गाइस, जिसके वजह से ही वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हुए भी वो नहीं बढ़ पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि नाइन ऑफ शोर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ शोर्ड्स है और डेविल डेविल जहाँ तक डेविल कार्ड का सवाल है गाइस, तो डेविल कार्ड आया है इसमें है कि आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली पैसनेट हैं, आपको बहुत मानते हैं, चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट हो सकता है कि कोई डेविल एनर्जी है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करके रखे हुए है, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी प्रयोग हो सकता है। डेविल कार्ड ये भी बताता है गाइस, ब्लैक मैजिक भी बहुत स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक किया गया है और ये बहुत हाल में ही किया गया है और बहुत दिनों से लगातार बार बार किया जा रहा है गाइस। तो ये हो सकता है ये जो लेडी है, स्ट्रांग लेडी है, वो उसी के द्वारा किया जा रहा होगा। तो और आपके पार्टनर जो आपको हैं बहुत खूबसूरत, अबेंडेंट और बहुत केयरिंग नर्चरिंग देखते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट वो इस लेडी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। और हो सकता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के अलावा फोर्थ पार्टी भी होगा, ऐस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। तो आपके पार्टनर कई लोगों से बात करते होंगे गाइस, फ़ोन पे हमेशा बिज़ी रहना उनका और किसी न किसी से हमेशा इन्वॉल्व रहने की आदत होगी, या हो सकता है आपकी यादों को भुलाने के लिए वो ऐसा करते होंगे, लेकिन ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। और उन अभी करंट ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर को किसी ने धोखा दिया है या कुछ भी वजह से उनके लाइफ में टावर टावर आएगा इस, या हो सकता है आपके साथ ही झगड़ा वगड़ा हुआ है या कुछ ऐसी स्थिति हुई है जिसकी वजह से वो टावर जैसा फील कर रहा है, बट फिर भी वो नाइट ऑफ वार्ड्स की एनर्जी में है और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये देखिए वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत स्पीड में आना चाह रहे हैं, लेकिन नाइट ऐसे भी स्लो एनर्जी होती है तो स्पीड में तो आएंगे नहीं और ये स्थिर होके नहीं रहते हैं बैंड्स, और बट वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और बॉटम में भी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सबसे झगड़ते हुए लड़ते हुए आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के आना चाहते हैं इस बार, तो आने के लिए तैयार हैं फिलहाल ये एनर्जी है। तो आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि पार्टनर तो आपके आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं, सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स ने क्या आपके लिए डिसाइड किया है और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो मैं अभी कार्ड को आपके सामने कुछ कार्ड्स इसमें से निकालती हूँ, जैसे देयर समथिंग बेटर अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है गाइस, उससे कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में। अभी जो स्थितियाँ हैं, हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में, कुछ अच्छे लोग जो नहीं थे, तो हो सकता है अब आपकी लाइफ में हेल्पफुल लोग आने वाले हैं और जो आपकी मदद करेंगे आपको ग्रो करने में। रिकवरी होने वाली है, रिकवरी का कार्ड है, रिकवरी, आपने जो खो दिया आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, जिस भी कंडीशन में आप थे और जो आपने खो दिया वो आपकी लाइफ में फिर से रिकवर होके वापस सब कुछ मिलने वाला है आपको। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से एक साल लग जाने वाला है और ये सब कुछ आपको रिकवर होके सब कुछ मिलने वाला है, आपको सक्सेस भी मिलेगा गाइस। तो आपकी लाइफ में सक्सेस है बट एक साल का वक्त लग सकता है। तो ये एंजल्स का मैसेज था, तो आइए देखते हैं आपके डीएम ने आपके लिए क्या मैसेज देना चाहा है, मैं उसको भी देख लेती हूँ थोड़ा, एक मिनट मैं इसमें से रेंडमली कुछ कार्ड्स निकालूँगी और जिसमें आपके पर्सन का इनिशियल मैसेज या सॉन्ग्स भी हो सकते हैं। तो मैं इसको
मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, फर्स्ट में ही आया है गाइस, वो सिर्फ आपके हैं। आर इनिशियल, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उनको पता चल रहा है उन्होंने आपके प्रति गुनाह किया है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, बट अपने मुंह से तो बोलते नहीं हैं। ये उनका अंतर मन बोल रहा है गाइस, आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक। उनको पता है उन्होंने मिस्टेक किया है और वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं, बट ये अभी बस मन से बोल रहे हैं ना, खुद से तो बोलते नहीं हैं। मिसिंग यू, वो आपको मिस कर रहे हैं। वृश्चिक, उनका उनकी राशि हो सकती है, माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू, उनकी लाइफ आपके बिना कुछ भी नहीं है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ये सॉन्ग आपके लिए हो सकता है। तुम याद ना आया करो, बहुत तकलीफ होती है। एस इनिशियल, आई लव यू, अब उनको फील हो रहा है, आई लव यू बोल रहे हैं। फॉरगिव मी प्लीज़, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं गाइस, उनको फॉरगिव कीजिए आप। सैड, मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, सभी लोग झूठे निकले, अब कोई नहीं है। उनको टावर, मैंने कहा था ना गाइस, उनके लाइफ में टावर आया है, शायद उनको कार्मिक से धोखा मिल चुका है, अब नहीं समझ में नहीं आ रहा हमें तुमसे क्या प्यार कितना, ये सॉन्ग सुन लेंगे गाइस। एक और मैं देख रही हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मिसिंग यू, प्लीज़ कॉल मी। कॉल मत करना गाइस। मेडिटेशन, मेडिटेशन आ रहा गाइस, आप लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं कर रहे, प्लीज़ मेडिटेशन किया करो, क्योंकि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तेरे बिन नामुमकिन, अपना गुजारा है सॉन्ग, बस मैं एक कार्ड और लूँगी, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। मैं फिर से ओ नाइस, प्लीज़ फॉरगिव मी, अगेन फॉरगिवनेस का है बस अपना ही, तो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, फॉरगिव कर दो गाइस, लेकिन इतनी आसानी से मत करना, क्योंकि पहले जांच परख लो अच्छे से, और ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।